नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख सकते हैं यहाँ पर दो मंजिला का घर बन रहा है, यानी कि ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर, इस ऊंचाई का घर बनाया जा रहा है। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम देखते हैं कि दो मंजिला का घर बनाने के लिए यहाँ पर फाउंडेशन की गहराई क्या रखी गई है और फाउंडेशन की लंबाई क्या है और चौड़ाई क्या है। और इसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि फाउंडेशन में लगने वाली फाउंडेशन स्टील यानी कि फाउंडेशन मैट को बनाने के लिए कितने एमएम की स्टील का उपयोग किया गया है। और इसके साथ साथ फाउंडेशन मैट में एक स्टील से दूसरे स्टील के बीच की दूरी क्या है और फाउंडेशन कंक्रीट की थिकनेस क्या है, फाउंडेशन बनाने के लिए किस रेशियो का कंक्रीट यहाँ पर उपयोग किया जा रहा है, फुल इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करेंगे। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप सभी से बस छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आगे आने वाली अच्छी अच्छी वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। तो चलिए देखते हैं कि यहाँ पर दो मंजिला का घर बनाने के लिए फाउंडेशन का साइज क्या रखा गया है। सबसे पहले यदि हम फाउंडेशन की लंबाई की बात करें तो चलिए यहाँ पर माप कर देखते हैं कि फाउंडेशन की लंबाई क्या रखी गई है। तो टेप से मापने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर फाउंडेशन की जो लंबाई है 1.1 मीटर है। यदि हम फिट की बात करें तो अप्रॉक्स 3 फीट 7 इंच है। फाउंडेशन की लंबाई के बाद यदि हम फाउंडेशन की चौड़ाई की बात करें तो चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर फाउंडेशन की चौड़ाई भी 1.1 मीटर है, यानी कि अप्रॉक्स 3 फीट 7 इंच है। फाउंडेशन की लंबाई चौड़ाई के बाद अब हम फाउंडेशन की डेप्थ का मेजरमेंट करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि यहाँ पर फाउंडेशन की डेप्थ यानी कि फाउंडेशन की गहराई कितनी रखी गई है। फाउंडेशन की गहराई का मेजरमेंट करने के बाद यहाँ पर जो फाउंडेशन की गहराई है वो 1 मीटर है। 1 मीटर का मतलब 3.28 फीट। फाउंडेशन के डेप्थ के बाद चलिए देख लेते हैं कि फाउंडेशन में लगने वाले स्टील यानी कि फाउंडेशन में कुछ इस तरीके का मैट लगाया जाता है। तो चलिए देख लेते हैं कि मैट को बनाने के लिए कितने एमएम की स्टील बार का उपयोग करते हैं और मैट में एक स्टील से दूसरे स्टील के बीच की दूरी क्या होती है। तो सबसे पहले यदि हम इस मैट के साइज की बात करें तो 1 मीटर बाई 1 मीटर का इसका साइज है। आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से इसका लंबाई और चौड़ाई 1 बाई 1 मीटर है। और यदि हम फिट की बात करें तो 3.28 फिट इसकी लंबाई है और 3.28 फिट इसकी चौड़ाई है। और यदि हम फाउंडेशन में लगने वाले स्टील की बात करें तो इस मैट को बनाने के लिए 10 mm की स्टील का उपयोग किया गया है। और एक स्टील से दूसरे स्टील के बीच की दूरी की बात करें तो 20 सेंटीमीटर है। और यदि हम स्टील के टाइप की बात करें तो यहाँ पर Fe 500D टाइप की स्टील का उपयोग किया गया है। और यदि हम फाउंडेशन में कंक्रीट थिकनेस की बात करें यानी कि फाउंडेशन में कंक्रीट की मोटाई क्या है, तो यहाँ पर फाउंडेशन में कंक्रीट की जो मोटाई है वो 15 सेंटीमीटर, आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से 15 सेंटीमीटर की मोटाई में कंक्रीट को ढाला गया है। और यदि हम इंच में बात करें तो 5.9 इंच है। और यदि हम इस फाउंडेशन टाइप की बात करें तो यह एक स्लोप फाउंडेशन है। स्लोप फाउंडेशन का और क्या क्या नाम है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर से जरूर बताइएगा। और यदि हम स्लोप की बात करें तो स्लोप फर्स्ट पॉइंट से स्टार्ट होके सेकेंड पॉइंट पर एंड हो रहा है। इन दोनों के बीच की यदि हम थिकनेस की बात करें तो 4 इंच है। नेक्स्ट यदि हम फाउंडेशन में कंक्रीट रेशियो की बात करें तो यहाँ पर 1:1.5:3 रेशियो का कंक्रीट उपयोग किया जा रहा है, यानी कि M20 रेशियो का कंक्रीट यहाँ पर उपयोग किया गया है। M20 का मतलब 1 बैग आपका सीमेंट हो गया, 1 बैग सीमेंट में 1.5 बैग सैंड यानी कि बालू हो गया, और 3 का मतलब एग्रीगेट यानी कि 3 बैग आपकी गिट्टी हो गई। सो उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि दो मंजिला घर के लिए आपको फाउंडेशन किस तरीके से बनाना है। यदि आपका कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। यदि आप सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड इस बुक को फ्री में डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस बुक को डाउनलोड करने का लिंक इंस्टाग्राम के बायो में है, और इंस्टाग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और सिविल इंजीनियरिंग प्राइवेट जॉब नोटिफिकेशन के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अपना ख्याल रखिए और अपने मम्मी पापा का अपने से भी ज़्यादा ख्याल रखिए। इसी भाव के साथ आप सभी से विदा लेते हैं। धन्यवाद।